हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गास रेसिपीज में। आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए हमने लिए हैं 2 आलू, कॉर्नफ्लावर लिए हैं और स्वादानुसार हम नमक डालेंगे। तो सबसे पहले हमें आलू के छिलके हटाकर लंबे लंबे शेप में, सेम शेप में कट करके लेना है। छिलके हटाकर हमने ले लिए हैं, अभी हम इसे लंबे लंबे शेप में कट करके लेने के लिए। सेम शेप पे रहना चाहिए। तो सभी आलू को हम इसी शेप में कट करके ले लेंगे। आलू को हमने कट करके ले लिया है लंबे लंबे शेप में, तभी हम इसे अच्छे से धो लेंगे। हमने आलू को सब अच्छे से धो के ले लिए हैं, तो अभी हम इसे दूसरे बाउल में डालेंगे। दूसरे बाउल में हम ठंडा पानी लिए हैं, तो ठंडा पानी में हम 2 मिनट के लिए इसे रखेंगे। दो मिनट के लिए हम ठंडे पानी में इसे रखेंगे। आलू को हमने 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखा था, 2 मिनट हो चुका है। अभी हम इस जाली के बर्तन में निकाल के रखेंगे ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। आलू में से पानी अच्छे से निकल चुका है, तो अभी हम इसे इस बाउल में ट्रांसफर करेंगे। हमें इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाने हैं। हमने इसमें अच्छे से कॉर्नफ्लावर मिला दिए हैं, तो अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा था, ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें मीडियम आंच पे इसे आप पका लीजिएगा ताकि अंदर तक पक जाए आलू। रेडी होने को है और थोड़ा इसे और थोड़ा कलर आने तक फ्राई करें। रेडी हो चुका है, अभी हम इसे ऑयल से हटा देंगे।
फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुका है, अभी हम खाने के लिए सर्व करेंगे। स्वाद के लिए हम इसमें थोड़े से नमक ऐड करेंगे। थोड़े से हम मिक्स हर्ब्स में ऐड करेंगे। खाने के लिए फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुका है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। Thank you.